आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, बहादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज, सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, DKZ कंपनी अवाम को लालच दी थी के 1 लाख पे इतना नफा मिलेगा, इतना फायदा होगा, 5 लाख पर इतना, 50,000 पर इतना। ये लालच की खातिर हमारे कई भाइयों ने इस कंपनी में करोड़ों रुपया डाल दिया। अब ये करोड़ों रुपया तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा ना। अब इसको हमारे शहर के कुछ यूट्यूबर्स भाई प्रोमोट करे हैं, अब इनकी भी बातों में आकर कुछ लोग पैसे डाले हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप कोई भी कंपनी को प्रमोट करने से पहले सोच समझकर प्रमोट करें, क्योंकि फेक कंपनियां अवाम को लूटकर भाग रही है और आप चंद पैसों के लिए इनको फेमस कर रहे हैं और इनकी कंपनी में पैसे डालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बेचारे कर्जा लेकर और कुछ प्रॉपर्टियां बेचकर इस कंपनी में जो पैसे लगाए हैं वो तो बेचारे बिल्कुल अब गरीब हो गए हैं। आप 5-10 हज़ार रुपए लेकर इस कंपनी के बारे में कुछ बातें कही कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए फला फला, मगर करने से पहले सोच लीजिए। इस पर मोहम्मद इम्तियाज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बनना है, मिलियनर बनना है तो आप पैसों के वास्ते नहीं, पैसे आपके वास्ते काम करना। आज मैं आपको ऐसे एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में बोलता हूँ। DKZ इन्वेस्टमेंट इज ए सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म टू अर्न एन एक्स्ट्रा इनकम। आप 5,000 से लेकर 5 लाख या फिर आपकी जितनी इस्तेआत है वहां तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे DKZ का जो वाकया जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, तमाम मीडिया वालों के सामने पब्लिक पूरी परेशानी का सामना अपना इजहार कर रही। ये बड़ी सोचने वाली बात है भाई। हम पहले भी बोले थे कि भाई ये तमाम यूट्यूबर जितने भी है थोड़े बहुत ये लोगों के बातों में मत आओ। ये पूरे क्या है मालूम, फेमस होने ये लोग जो फेमस रहते आदमी वो लोगों को बुलाकर ये लोग अभी नहीं कुछ ना कुछ अंदरूनी कुछ ना कुछ पैसा ले लेते और ये लोगों की कंपनियों को ये लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करो ये करो बोल के पब्लिक को सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर ये लोगों को अपने तरफ खींच लेते। लगा ये लोगों को मालूम है कि पब्लिक हमारी हैदराबाद की पब्लिक हमारे पीछे बहुत पागल है, हमारे बातें पहले यकीन कर लेती। ये लोग इसी तरह वीडियोज़ अपलोड करके ये लोगों की तरफ बुलाओ बोल के बोलते लगा। और इसी तरह ऐसी दुआ तमाम ये रज़ाक जो है ना, ये जितने भी यूट्यूबर आ तकरीबन जने ये DKZ को प्रमोट करे थे कि भाई यहाँ पर आओ, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करो। आप इसके वीडियोस देख लो, ये खुद शख्स बोला था कि भाई आइए आप लोगों को पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आइए, ये हलाल का है वो है, इसको हलाल हराम सब मालूम है इसको ये आ जाइए यहाँ, हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करो ये करो। और एक जना तो क्या बोल रहा है खुद वीडियो में कि भाई मैं DKZ में पैसे इन्वेस्ट करके कहते मैं एक कार भी खरीद लिया करते, अब मैं ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ कहते। अब हाल ही में नहीं थोड़े दिन पहले एक फिर से ये रज़ा का एक वीडियो अपलोड कर रहा था, क्या बोल रहा था ज़मीन खरीदना है दरगाह के पास शादनगर के पास आ जाओ 9 लाख रुपये में ज़मीन कहते। बेवकूफ़ बना रहे, 9 लाख रुपये में ज़मीन कौन देता भाई, 9 लाख रुपए में आ जाइए यहाँ पर सब चीज़ की आप फैसिलिटी है ये है, आपको EMI पे भी देते कहते, EMI पे ज़मीन कहते, EMI पे वो भी सिविल अच्छा नहीं है तो भी देते कहते। यहाँ पर भाई घंटा मेरा यहाँ पर मामी सा 20,000 का फोन खरीदने के लिए सिविल अच्छा नहीं है तो फेंक दे रहा है साहब उठा के, है नहीं मिलता तुमको फोन जो 20,000 का बोल रहे तो मैं 9 लाख 10 लाख की जमीन EMI पे सिविल अच्छा नहीं है तो भी देते कहते। कैसा बेवकूफ़ बनाते थे पब्लिक को। मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले नहीं इन बदमाशों को आप लोग अंदर करो और मालूम करो कि ये लगा नहीं पैसा इन्वेस्ट करे या नहीं करे। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये लगा DKZ में 1 रुपया भी ना इन्वेस्ट नहीं करे, लेकिन पब्लिक को चुतिया बना दिया लगा इन्वेस्ट करो बोल के इलाका 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करे। अगर इन पूरा अंदर डाले ना ये 100% मालूम हो जाता क्या जवाब देते रहे अल्लाह ने। अगर हकीकत में अगर ईमान है ना तो एक काम करो इन लोगों को प्रॉफिट रखो दियो, कम से कम इन लोगों का जो गरीबों का जो पैसा है ना किसी का 1 लाख किसी का 2 लाख मालूम भी हो रहा भाई एक एक जना कहते 10-10 लाख रुपये भी इन्वेस्ट करा करते 10-10 लाख रुपये। अल्लाह रहम करे कहाँ से ये साले बदमाश आए, मेहनत करके तो आगे बढ़ना नहीं होता लोगों को, लेकिन लोगों का लूट के आगे बढ़ रहे। यहाँ पर ये हो रहा देखो मुसलमान मुसलमान को मार रहा, मुसलमान मुसलमान कुछ लूट रहा, मुसलमान मुसलमान को धोखा दे रहा इधर। ये हो गई हमारी फॉर्म मुसलमान फॉर्म बोलती कि लोग अम्मा न करो भाई तुर्कुल न करो भाई चला डेंजर उठ रहा भाई तुर्कुल तुर्कुल से दूर उठ रहा भाई बोल रहा था। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर
की खबर है, गाँव की खबर है, सारी दुनिया की 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।